सबसे पहले आईजी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। और खेल में तो हार जीत होता रहता है, जो ज्यादा मेहनत करेगा जीत उसी की होगी। और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, नेक्स्ट मैच के लिए और बेहतर करेंगे। थैंक यू। ये गोप्रो मेरा नहीं है, अगर गोप्रो में ना वीडियोस अच्छे बनने हैं तो कमेंट करके बताना, तो बाद में इससे भी बनाएंगे। तो दोस्तों फाइनली मैच प्रारंभ हो चुका है और अब टॉस की प्रक्रिया जारी है। देख लो, आगे देख लो, दोनों टीमों के कैप्टन आ चुके हैं और यहाँ पे टॉस की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। हेलो हाय नमस्कार, क्या हाल, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज निकलना कहाँ था, निकल गए कहाँ, जाना था वैसे ओली, लेकिन आधे रास्ते में मिल गए पर्वतवासी। पर्वतवासी है ना, तो आज सीधा आ गए हम मैच खेलने। आज आए हम पहाड़ सुराय तोटा और साथ में है सारे लोग, ये रहे पर्वतवासी, बाकी लोग ये रहे भैया जी, और बाकी सारे प्लेयर्स ये रहे टीम के, ये देख लो। और आज क्वालिटी में थोड़ा चेंज भी लग रहा होगा आपको, क्योंकि ना आज मैं शूट कर रहा हूँ GoPro Hero 9 से। तो कमेंट करके बताना कि आपको क्वालिटी कैसी लग रही है। बाकी जितना भी मैच का अपडेट होगा आपको टाइम टाइम पे देते रहेंगे। और आज ब्लॉग काफ़ी खास होने वाला है। आगे देख लो, यहाँ पे सुंदर सी नदी और सामने रहा हमारा ग्राउंड और बाकी प्लेयर्स ये रहे। और ये रहा शानदार पुल, देख लो पहाड़ों में ऐसे जुगाड़ किए जाते हैं, देख लो पुल पार जाने के लिए। तो दोस्तों अभी हमने पुल पार कर लिया है और यहाँ पे ना ये पुल है, ये टेम्परेरी है, यहाँ लोग मतलब केवल ठंडियों में रहते हैं, वरना गर्मियों में नीचे चले जाते हैं। तो आजकल बहुत कम लोग रहते हैं इधर, क्योंकि ये टेम्परेरी बनाया हुआ है लकड़ी का। और यहाँ से ऊपर रहा मैदान, तो चलते हैं आगे। और यहाँ सामने देख लो, यहाँ रहते हैं केवल कुछ ही दिनों के लिए लोग रहते हैं। और यहाँ देख लो अभी भी पुराने घर हैं, और ये घर हैं बॉर्डर रोड पे सुराई थोटा से थोड़ा आगे, इस जगह का नाम है ग्वाड़। और यहीं पे सामने रहा सुंदर सा ग्राउंड, और चलते हैं सीधे ग्राउंड में। सो फाइनली दोस्तों पहुँच चुके हैं ग्राउंड में, और हमसे पहले ना बड़े भाई जी और पहुँच गए हैं। कल यही थे कि आज आए, अभी आए, चलो इन्हीं के साथ है आज हमारा मैच। ये रहा सुंदर सा ग्राउंड तोलमा का, बाकी अभी ज़्यादा लोग तो आए नहीं, बस हम ही लोग हैं। एक बार नज़र दौड़ा लो पूरे ग्राउंड में, ये देख लो। फिलहाल यहाँ पर मैदान पे ना काम शुरू हो चुका है, और यहाँ पे मैट में खेला जा रहा है मैच। और सामने देख लो पीछे मैट बिछा दिया है, और ये रहे हमारे कैप्टन साहब। और इस गांव की खास बात यह है ना, इस गांव में अभी भी सारे पुराने घर हैं, कोई भी सीमेंट वगैरह से नहीं बने हैं, सारे घर पुराने हैं। और ऐसे पठाल छजा वाले देख लो। तो दोस्तों फाइनली मैच प्रारंभ हो चुका है और अब टॉस की प्रक्रिया जारी है। देख लो, आगे देख लो, दोनों टीमों के कैप्टन आ चुके हैं और यहाँ पे टॉस की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। ये रहे दोनों टीमों के कैप्टन, विपक्षी टीम टॉस जीत चुके हैं और देखते हैं। तो दोस्तों टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करेंगे हम लोग, और सारे खिलाड़ी ड्रेसअप रूम में जा रहे हैं, खुश हैं। और हमको चाहिए भी बैटिंग थी, इसीलिए टॉस हार के बैटिंग ही आगे। चलो अब आपको पूरा मैच दिखाएंगे, क्यों हमारे कैप्टन साहब रहे ये, आज मजा लिया जाएगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलिए। और हमारे इस घाटी के ना मशहूर बल्लेबाज धोनी के नाम से फेमस ये रहे सर, बढ़िया बस यार
और कहीं भी आपको मैच खेलना इनको जरूर ले जाइए। बिल्कुल एक और मैच जिता देते हैं। सो फाइनली दोस्तों मैच होने वाला है प्रारंभ और मैच की पहली गेंद डालने वाला है ये दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों मैच हो चुका है प्रारंभ। लेकिन काफी तपका खाने के बाद गेंद काफी उछाल के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। एक बार फिर ये गेंद काफी ऊंची रहती हुई गेंद अच्छी और वाइड का इशारा अंपायर के बाजू में खुली और वाइड का इशारा। ये अंपायर दो काफी महंगे अंपायर सुनाई खुदा जवान ने खरीदा है इनको। और ये गेंद कट किया लेकिन कोई रन लेने का मौका नहीं और प्रदीप सामने वाले छोर से हल्के हल्के कदमों का इस्तेमाल करते हुए अंपायर को पार किया और ये गेंद उठा के मारा है लेकिन तेजी के साथ एक रन पूरे किया दोनों बल्लेबाजों ने। इसी के साथ संधार 11 का बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। अब बल्लेबाजी का छोर संभालेंगे अनिल कद काफी लंबे और ये गेंद उठा के मार दिया लेकिन काफी मौका बन सकता था हवा में गेंद थी लेकिन फील्डर से काफी दूर एक रन तेजी के साथ धोनी बल्लेबाजों ने पूरा किया। काफी ऊंची तेजी के साथ एक रन पूरा किया रन लेने में काफी चतुर संधारी लेवक की टीम। और ग्वाल स्टेडियम दर्शक गणों से खचाखच भरा हुआ है धूप का नजारा लेते हुए ये गेंद प्रदीप की काफी चार बड़ी गेंद कट किया है तेजी के साथ एक रन पूरा किया लेकिन एक रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों खिलाड़ियों को। पहले ओवर की समाप्ति पे 5 रन बिना किसी विकेट बाद थी काफी दूर दूर से दर्शकगण मैच का आनंद लेने के लिए ग्वाड़ी स्टेडियम पे आए हुए है। एक बार फिर अच्छी गेंद बढ़िया गेंद बीट हुई बल्लेबाज समझ नहीं पाए गेंद को और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। एक बार फिर भी सामने वाले छोर से हल्के हल्के कदम का इस्तेमाल करते हैं पार्क पार्क एक रन लेकिन काफी जाएंगे गैरी जी। सबसे पहले आईजेक कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। और खेल में तो हार जीत होता रहता है, जो ज्यादा मेहनत करेगा जीत उसी की होगी और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, नेक्स्ट मैच के लिए और बेहतर करेंगे। थैंक यू। फाइनली दोस्तों मैच जीत चुके हैं, मैच पूरा दिखा नहीं पाए आपको और बाकी भाई लोग सारे और तो मैच है बाकी पूरा मैच दिखा नहीं पाए आपको और आज मैन ऑफ द मैच भी बन गई देख लो इधर बाकी ये रही पूरी टीम सारी टीम ये रही है। और अब निकलते हैं यहाँ से ये देख लो पूरी टीम ये है जीत गई। फाइनली दोस्तों पहुँच चुके हैं गाड़ी में और यहाँ का व्यू देख लो ना पीछे से और हमारी गाड़ी भी आ चुकी है ये रही गाड़ी बाकी सारे लोग इसमें बैठ रखे हैं छत पर क्यों बैठे। सो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं तपोवन और यहाँ ना कैप्टन साहब की पार्टी आज यहाँ मोमो चाउमीन पार्टी होगी जीत की पार्टी क्यों बिल्कुल। और यहाँ पर एक हमारे गांव की शॉप है ये और यहाँ पर मोमोज बन रहे हैं बाकी यहाँ पे थोड़ा मोमोज का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल पार्टी वगैरह हो चुकी है और अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय एंड सी। और हाँ ये गोप्रो मेरा नहीं है, अगर गोप्रो में ना वीडियोज़ अच्छे बनने हैं तो
कमेंट करके बताना, तो बाद में इसी पे बनाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय।